D-Boys! 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 आ गए हैं हम मिलने आप सबसे फिर एक बार। क्या हाल है YouTube फैमिली, वेलकम टू अ चैनल टू फिल्मी फ्रेंड्स। मैं हूं रौनक और ये साला हमेशा ही रहने दे काहे बे। अरे यार मैं बापू का बर्थडे था ना, तो मैं बापू का केक काट रहा था। हैप्पी बर्थडे बापू। क्या बड़ी खुशी है यार, वो ना छुट्टी मिल जाती है ना, तो इंडिया के लिए गांधी जयंती छुट्टी ही है। हाँ वो छुट्टी मिल जाती है वैसे ही, इसलिए खुशी मिल जाती है। तो गाइस हम वैसे प्लान नहीं कर रहे थे और हमारी वॉर की टिकट्स भी बुक थी, बट लाल कप्तान का थर्ड पार्ट का ट्रेलर आ गया है। हमें नहीं पता था इसका थर्ड पार्ट भी है, तो हमने कहा फटाफट वीडियो बना लेते हैं इससे पहले लेट हो जाए। फर्स्ट पार्ट है द चेज, सेकंड है द हंट, एंड थर्ड है द रिवेंज। तो अब हम रिवेंज को रिव्यू करने वाले हैं, होप आपको अच्छा लगेगा। फटाफट ट्रेलर चेकआउट कर लेते हैं और फिर अपना रिएक्शन देते हैं। चलो एक भले आदमी ने मुझसे कहा था कि मौत की तैयारी पैदा होते ही शुरू हो जाती है। दुनिया बदल रही है, बस एक तू नहीं बदला। जो काल के साथ बदल जाए वो अकाली कैसा। 20 साल से एक शिकार की तलाश में जो आज तक हाथ नहीं आया। काम बताओ और भाई, तुम जानते हो उसके किरदार को। रहमत खान। कब तक ये आग अपने सीने में लेके जिएगा? जब तक इंतकाम पूरा ना हो जाए। उसके पहले ही तू मर गया तो वहां बांदा में नहीं मिला वो। मिला था। तू है कौन गुसाई? तेरा बीता हुआ कल। पता है अकेला आधार कौन रास्ते पर, वो जमुना जी पार करके अवध जा रहा हूँ। बहुत आदमी वो जानता तुम्हारा, हर राम का अपना रावण, हर राम का अपना दशहरा। जाने कौन जग जाए, ये तीनों सोते वाले सींग सांप और कार। क्या कहते हैं रौनक यार, मूवी जैसी भी हो वो तो रिलीज के डेट पे ही पता चलेगी, बट सैफ अली खान का जो पूरा पोर्ट्रेल है, पूरा गेटअप है, वो मेरी ऑडियंस की मेमोरी में हमेशा रहेगा कि ऐसा एक कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था। वो जो डेडिकेटेडली 8 से 10 महीने इस गेटअप को उन्होंने दिए है ना, वो लोगों की मेमोरी में बहुत टाइम तक रहने वाला है। ऐसे नहीं है कि एक बंदे ने अपना 100% दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना कैरेक्टर में आप पूरा घुस जाते हो और उस टाइम तक आप और कुछ नहीं सोचते हो, टोटली उस कैरेक्टर में रहते हो, वो चीज प्रॉपरली दिख रही है। तूने एक चीज नोटिस करी, सैफ अली खान के साथ साथ जो विलन है मानव, वो पूरे प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। और मेरे को ना इनकी एक्टिंग बहुत पसंद है, ये जब विलन वाले रोल्स करते हैं ना तो इनसे डर लगता है थोड़ा सा। इनके 2-3 मैंने शोज देखे हैं नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम पे, एक आध मूवी भी देखी है, सब ने नेगेटिव कैरेक्टर ही प्ले किया है। फिजिकली भी बड़े बल्की हैं, तो ना विलन के विलन में ये जब फिट होते हैं तो बहुत कन्विंसिंग लगते हैं, ऑडियंस को डरा सकते हैं कि यस मैं एक विलन हूं और मैं भी पूरा 100% दे रहा हूं इस मूवी में। विलन जब तक फिजिकली वैसा नहीं होगा ना, तब तक वो ऑडियंस उतनी वो घुसेगी नहीं, उतनी वो बिलीव नहीं हो पाएगा। फिजिकल फिटनेस वो होनी चाहिए विलन में, वो दिखी है इस मूवी में ना। मेरे को ये लगता है ट्रेलर देख रहा है कि लोगों को थोड़ी सी पेशेंस बरकरार रखना, क्योंकि थोड़ी मूवी स्लो जाएगी बट अपनी पिच को कभी नहीं छोड़ेगी।
एक होता ना कि स्लो एंटरटेनिंग टाइप टाइप, और उसके बाद ये मतलब आपको सीट पे बैठा के रखेगी कि हाँ कुछ ना कुछ इसमें होगा ऐसा जो धीरे 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 उभर के आएगा और ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। और आई थिंक इनका ये जो इन्होंने एक स्ट्रैटेजी करी है ट्रेलर को तीन पार्ट्स में निकालने की, हाँ, मेरे लिए ये वर्क करी है। हाँ, शायद लोगों के लिए ना वर्क करे कि आपको एक ही बारे में ट्रेलर निकालना चाहिए, हर ट्रेलर अपने आप में स्पेशल था, चाहे फर्स्ट हो चाहे वो सेकंड हो चाहे वो थर्ड। ये शायद फर्स्ट मूवी में ऐसा हुआ, नहीं तो हमेशा लोग फुल फ्लेश ट्रेलर निकाल देते, एक टीजर आता है उसका सीधा ट्रेलर आया, ट्रेलर इसमें पहले टीजर भी आया और टाइम से निकाल दिया, मूवी के रिलीज से 2-2.5 हफ्ते पहले उन्होंने निकाल दिया। और ये है कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी, अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करेगी, और ये सही जैसे तूने बोला कि मेमोरेबल होगी, ये होगी मेमोरेबल होगी। सोनाक्षी सिन्हा का भी इसका कैरेक्टर याद है, लंगड़ा त्यागी का, ये 2019 का कैरेक्टर जो गंजे हो के आए थे, बिल्कुल मेरे को तो इसमें सोनाक्षी सिन्हा का कैमियो भी बिल्कुल बिल्कुल सही लग रहा है कि वो ठीक है, वो जो रोल उनको दिया है ना वो बखूबी निभा रही है, बखूबी निभा रही है, राइट, थोड़ा डिफरेंट कर रही है अपने कंफर्ट जोन से निकल के। हाँ, मतलब इस मूवी में आप देखो तो हर बंदा ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उसने किया है, राइट। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कैसी है 18th अक्टूबर को पता चलेगा। वी आर एक्सपेक्टिंग हाई कि मूवी लोगों को पसंद आए, कमाई करे, ब्लॉकबस्टर साबित हो, बट टाइम बताएगा ये मूवी कैसी है। और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, वी नीड सब्सक्राइबर्स सो कीप सपोर्टिंग गाइज। और एक चीज और, हम लोगों की वॉर की मूवी टिकट्स बुकड है इस वीडियो के बाद, हम वो देखने जाएंगे और कल शॉर्टली उसका रिव्यू भी शेयर करेंगे, so that based on that review आप भी अपनी movie के tickets करा सके। कुछ कहना है? घंटा दबाना मत, ऐसे क्या कर रहा है तू, ये एक घंटा दबाना वो है जरूर। वैसे तू रौनक अगले उसमें लाल कप्तान मतलब लोग धारण कर सकता है if you want। हाँ मैं कर सकता हूँ, पर वो मेरे पे मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, नहीं कर सकता, सजेशन अपने पास रखिए प्लीज, सिंग बाइट। चलो टिल नेक्स्ट टाइम एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय, सी यू।